आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। एक बार राम मनोहर लोहिया जी को किसी ने पूछा कि नेताजी आप कांग्रेस के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो, आप तो पंडित नेहरू के मित्र रहे हो लेकिन आप उनके खिलाफ पूरा बोलते हो, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि देखिए मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं, उसी सोच से पल बढ़ के मैं आजादी के लड़ाई में आया, लेकिन जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। भाइयों, हम इसलिए सांसद नहीं बने हैं कि हम मंच की बात आप तक पहुंचाएं, हम सांसद इसलिए बने हैं कि आपकी बात मंच पर बोल पाए। जब इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी, जब सबकी बेटियों और बेटों को काम मिलेगा भरपूर, तो वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद करेगा। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में? अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं, अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई मायका लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। हमारे देश में आपके बाप दादाओं ने, आपके मां और दादियों और नानियों ने अपने कंगने बेच दिए इस देश की आजादी की लड़ाई में, अपनी हड्डियां तोड़वा दी, जेल की सजा काटी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया, तब हमारा देश जाके स्वतंत्र हुआ। आज केवल हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे ताली बजाएं, ये हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति हमारी तब होगी जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हों इस देश के लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पे
हाथ उठाइए, कितने लोग यहां पे इस देश को प्यार करते हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपना हाथ उठाइए। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज जब आप गरीबी देखते हैं, आप बेरोजगारी अपनी पाते हैं, आप अपने बढ़ते हुए इलाज के दाम को देखते हैं, आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस को देखते हैं, आप दूध के, दही के, सब्जियों के, फलों के बढ़ते हुए कीमत को देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? मैंने इस बार संसद में एक निजी विधेयक सदन के पटल पे डाला है, जिसको कहते हैं भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जो सरकार से यह मांग कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि आज 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय, 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो 5 लाख 2 लाख 50,000 धीरे 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 बेरोजगारी खत्म हो, इससे अच्छा कि सरकार बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेके बेरोजगारी एक क्षण में उसको परास्त करे। हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। आज पीलीभीत में कितने कितने छोटे व्यापारी हैं,